जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप रेमिनी ऐप को कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं रेमिनी ऐप को यूज़ के लेके एक वीडियो बनाया था, पर वीडियो छोटा होने के कारण मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता पाया था। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर रेमिनी ऐप को यूज़ को लेके पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझाऊंगा। आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं किसान और आप देख रहे हैं टेक्निकल के भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है रेमिनी। आप जैसे ही रेमिनी सर्च करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का रेटिंग है 4.5, मतलब बहुत ही बढ़िया रेटिंग है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड कर चुका है, मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे अभी अपडेट नहीं करना है, तो मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट AI फोटोज पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका फोटो किस तरह से एडिट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड फोटोज, मतलब आपका ओल्ड फोटोज भी इस तरीके से एडिट होगा। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, ये आपको कट कर देना है। इसके बाद ट्राई इट विथ योर फोटोज, गिव एक्सेस टू फोटोज पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद अलाउ रेमिनी टू एक्सेस फोटोज एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस, ये आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे अगर आप प्रो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिचार्ज करने के लिए बोला जाएगा, पर मुझे रिचार्ज नहीं करना है, मुझे फ्री में एडिट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए ये आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोज़ और वीडियोज़, मतलब यहाँ से आप फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों को एडिट कर सकते हैं। सो अभी तो मुझे फ़ोटो एडिट करना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इन्हेंस, इसके बाद AI फोटोज़। आप अगर AI फोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जनरेट योर फोटोज़ विद AI, मतलब आपका फ़ोटो AI से बनाया जाएगा। AI का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर जो खुद आपका फ़ोटो को एडिट करके देता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद लेट्स डू इट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स सेटअप योर AI प्रोफाइल, मतलब यहाँ से आप AI प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। पर इतना सब आपको नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। इसके बाद AI अवतार्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक टू 8 to 12 फोटोज़ ऑफ योर सेल्फ, मतलब यहाँ पे आप अपने 8 से 12 सेल्फीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना सारा फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये सारा लोगों ने अपने अपने सेल्फीज़ को यहाँ पे ऐड करके रखा है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप AI स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप अपने सेल्फीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा आप अपने फ़ोटो को बहुत अच्छे क्वालिटी में कैसे एडिट कर सकते हैं। तो फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इन्हेंस पे क्लिक करना है। इन्हेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी पे जितना भी फ़ोटो रहेगा सभी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका वो फ़ोटो यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको ओपन गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद थ्री लाइन्स पे क्लिक करके फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा फ़ोटो खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक इन्हेंस और दूसरा मल्टीपल रिजल्ट्स। यहाँ पे अगर आप इन्हेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो बिल्कुल ही फ्री में एडिट होगा, पर आपको 2-4 ऐड वॉच करना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो लिखा हुआ है, मतलब यह आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मैं इन्हेंस पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फ्री में एडिट करना है।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना प्रो लिखा हुआ है सभी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब मुझे नहीं करना है, मुझे यहीं से फ़ोटो को एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ फ़ोटो किस तरह से एडिट होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर बिफोर लिखा हुआ है मतलब ये एडिट होने के पहले का फ़ोटो है, और इधर आफ्टर लिखा हुआ है मतलब ये एडिट होने के बाद का फ़ोटो है। इधर दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क आप देख सकते हैं। आप अगर इसे खींच के इधर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो रहा है फ़ोटो। इसके बाद आपको ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऐड आएगा जो आपको वॉच करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। मेरा फोटो गैलरी में सेव हो चुका है, यहाँ से मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।